Good morning friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. Today 21st December Friday है, इस week का last trading session है, आज Friday है तो Bank Nifty का भी analysis करेंगे, देखेंगे क्या support और resistance के levels आ रहे हैं next week के लिए. कल Bank Nifty की weekly expiry थी, तो हर रोज की तरह Friday को हम Bank Nifty का भी analysis करेंगे. जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए हम हर फ्राइडे बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं. तो देखिए अभी सैटरडे छुट्टी आ रही है, वीकेंड है, फिर संडे छुट्टी है, फिर मंडे एक बार वर्किंग है और फिर ट्यूसडे को क्रिसमस होने के कारण फिर से एक छुट्टी है. तो यहाँ पर थोड़ा कंजेकेटिव छुट्टियाँ आ रही है, तो हो सकता है आज एक बड़ी मूव दिखाई दे, क्योंकि कोई भी ऐसे ओवरनाइट पोजीशन जब छुट्टी आती है तब ये ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखता. ठीक है, तो हो सकता है आज मार्केट जब खत्म हो रहा हो लास्ट आवर्स में कुछ एक बड़ी मूव आ सकती है. और जैसे कि हमने कल के वीडियो में भी कहा था, क्रिसमस है, दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है, तो यूरोप और अमेरिका में खासकर छुट्टियां होती है, तो FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस का जो एक्टिवनेस है वो थोड़ा कम हो जाता है. तो हमारे इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ा सा दिसंबर एंडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि कंसोलिडेशन फेज होता है, साइडवेज पैटर्न होता है, तो इसमें काफ़ी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं. तो सेफ ट्रेडर्स के लिए बेटर है कि वो अभी फिलहाल एक वीक दूर रहे ट्रेडिंग से, थोड़ा क्रिसमस इंजॉय करें, छुट्टियां किधर मनाने के लिए जाए. तो देखते हैं आज निफ्टी में क्या होगा, इंट्राडे स्ट्रैटेजी क्या होगी. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का भी एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये कल का पिक्चर है, यानी 20 दिसंबर आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है, 30 मिनट का ये चार्ट है. कल का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हमारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल था 10,960, फर्स्ट टारगेट था 10,935 और सेकेंड टारगेट था 10,915, और अगर ऊपर की तरफ मूव होता है तो ब्रेकआउट लेवल था 10,992. तो जैसे कि हमने पॉजिटिव क्रॉसओवर देखा था, 20 EMA 50 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा था और 100 EMA के नीचे था, तो हमने पास्ट में देखा था कि कैसे ऐसे सिचुएशन पे थोड़ा सा करेक्शन आता है. तो ठीक उसी तरह ब्रेकडाउन लेवल जो था और हमारा सेकेंड टारगेट था उसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना कल, और बाद में कंसोलिडेट पैटर्न में मूव होता होता रिकवर हो गया. ये जो गैप था, कल गैप जो क्रिएट किया था वो लास्ट में इसने फिल कर दिया. तो हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो कल कोई ट्रेड नहीं बनता. ठीक है, तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं. कल अमेरिकी बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, प्रेशर बन रहा है. डाउ जोन्स 464 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, नासडैक 108 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ, यूरोपियन मार्केट भी लाल निशान में बंद हुए, और एशियाई मार्केट जब आज ओपन हो चुके हैं तो वहां पर भी प्रेशर दिखाई दे रहा है. निके 385 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, और हांगकॉन्ग मार्केट भी 280 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो वो अभी भी निगेटिव में है, 45 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है. एसजीएक्स निफ्टी अभी 34 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से निगेटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होगा आज निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रेटेजी. लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं. ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट, हम इंडेक्स में एनालिसिस करेंगे, उसके मुताबिक आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर और ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है. ठीक है, तो यह है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट. हमने पास्ट में यहां पर देखा था, ये मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहां पर डबल बॉटम फॉर्मेशन हमने देखा था. मैं इसका थिकनेस थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने के बाद ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन है इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद हमने जबरदस्त यहाँ पर अप मूव देखा, और अभी स्ट्रक्चर जो है वो 20-50-100 वीकली चार्ट में 20-50-100 EMA असेंडिंग ऑर्डर्स में है. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी बुलिश बनता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, इसके ऊपर तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो अभी नेक्स्ट लेवल यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या होगा. अगर यहाँ से दोनों मूविंग ये सपोर्टिव इंडिकेटर्स दोनों भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करता है तो फर्स्ट हर्डल अराउंड 27,500 के पास होगा,
27,500 के पास, जहां से लास्ट डाउनफॉल आया था पास्ट में, वो एक बार रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है अभी, अगर निफ्टी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो ये फर्स्ट हर्डल होगा। ये अगर क्रॉस करता है तो फिर से हमें एक बार 28,000 के लेवल्स यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, ये पिंक लाइन 20 EMA का यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि 26,300 के पास है, ये देखिए। ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है और ऊपर में फर्स्ट रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 27,500 के पास आ रहा है। तो ये वीकली चार्ट के हिसाब से ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल्स है। डेली चार्ट में देखते हैं, ये है डेली चार्ट। ठीक है, यहां पर जो स्ट्रक्चर है अभी ये बुलिश बन रहा है डेली चार्ट में भी। 20, 50, 100 ये तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में है और इसके ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये जो सेटअप है 20, 50, 100 और इसके ऊपर इंडेक्स, तभी यहाँ से बुल रन आता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली चार्ट में। ठीक है, फिर से एक बार, तो अभी यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या है। ठीक है, तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ से ये जो प्रीवियस डे का हाई बनाया था अराउंड 27,364, ये अगर इसने ब्रेक कर दिया तो ऊपर में फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर जो हमने वीकली चार्ट में देखा 27,500 के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये अगर ब्रेक होता है, पास्ट में देखिए यहाँ से डाउनफॉल आया था, तो 27,500 एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट स्विंग हाई जो कि अराउंड जुलाई महीने में है एज पर डेली चार्ट, जो कि 27,870 के पास है, वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहाँ पर हमने पास्ट में देखा था कई बार सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ है, तो वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये दो लेवल्स ऊपर रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकते हैं। और टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव होता है तो ये जो लेवल है फर्स्ट लेवल 27,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है ये 26,800। ये देखिए यहाँ पर जो स्विंग हाई बना था, स्विंग हाई, वो अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये भी लेवल तोड़ देता है 26,800 का, तो 20 EMA का जो कि 26,660 के पास है, ये नेक्स्ट सपोर्ट लाइन्स है। तो ये फिलहाल अभी डेली चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइन्स है, इसके मुताबिक आप अपना ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली चार्ट और वीकली चार्ट का। चलते हैं क्विकली निफ्टी का इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। ये है डेली चार्ट निफ्टी का। अभी MACD और RSI दोनों भी पॉजिटिव हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ऑब्जर्वेशन है हमारा, मैंने लास्ट 2 वीडियोस में भी इसे एक्सप्लेन किया था, जो अभी नए हैं सब्सक्राइबर्स हैं इनके लिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो 100 EMA का लाइन है, ग्रे लाइन 100 EMA का है एज पर डेली चार्ट, और 50 और 20, ये पिंक लाइन है, ये 20 EMA का है, और ये ब्लू लाइन 50 EMA का है। तो 100 EMA के नीचे जब ये दो लाइंस होते हैं और पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाते हैं, 20 क्रॉस करता है 50 को, तभी हमें प्राइस में एक छोटा सा अपमूव आता है और बाद में थोड़ा करेक्शन दिखाई देता है। ऐसा हमने पास्ट में कई बार देखा है, तो देखते हैं एक दो एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट में ऐसा जब सिचुएशन आया था। ये देखिए, ये यहाँ 100 EMA ऊपर है और 20, 50 इसके नीचे पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो यहाँ पर अपमूव आया और उसके बाद एक छोटा करेक्शन आया और सपोर्ट लेके फिर से अपमूव आया। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 100 EMA के नीचे 20, 50 का क्रॉसओवर आया और उसके बाद एक करेक्शन आया और सपोर्ट टेस्ट करके फिर से अपमूव आया। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, पास्ट में जब ऐसा सिनारियो बना था तभी ऐसा हुआ था। तो अभी फिलहाल हो रहा है या नहीं आप खुद देख सकते हैं, 20 EMA 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर 100 EMA के नीचे, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा अपमूव आया और बाद में
फॉल आ गया यहाँ पर, तो ये ऑब्जर्वेशन है। अभी देखते हैं क्या, कल भी गैप डाउन ओपन हुआ था, हालांकि बुलिश कैंडल बना है, लेकिन कल गैप डाउन ओपन हुआ था, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था इसके मुताबिक डाउनफॉल आया था, लेकिन कल एक बुलिश कैंडल बना। तो देखते हैं आज ये क्या कंटिन्यू रहता है या फिर ऊपर जाता है। पास्ट में जैसा ऑब्जर्वेशन था हमारा, ऐसा ही होगा अभी भी, ये कह के नहीं चल सकते, ठीक है। अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है कि टूवर्ड्स साउथ की तरफ निफ्टी इंडेक्स मूव कर रहा है। तो एज पर डेली चार्ट अभी सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर है, तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल तो ये है जहाँ पर पास्ट में इसने कई बार सपोर्ट का काम किया था, वो फिर से एक बार सपोर्ट का काम कर सकता है 10,850। ये देखिए पास्ट में इसने 5-6 बार यहाँ पर सपोर्ट का काम किया था। अभी भी पास्ट में कुछ दिनों पहले यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, तो इस गैप का ये जो इनिशियल लाइन है वो 10,850 के पास आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट करे। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे 100 EMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि अराउंड 10,770 के पास है। ऊपर अगर ये जो प्रीवियस डेज का हाई है ये ब्रेक होता है तो 11,000 के लेवल्स हमें क्रॉस होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा अराउंड 11,070 का। यहाँ पर थोड़ा सा रुका था पास्ट में, रेजिस्टेंस लिया था 2 बार, तो हो सकता है यहाँ पर 11,000 ब्रेक करने के बाद अराउंड 11,070 के पास ये रेजिस्टेंस फेस करे, ठीक है। तो डेली चार्ट के हिसाब से ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लिए लेवल्स काम कर सकते हैं। चलते हैं क्विकली 60 मिनट के चार्ट पे, इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आज जैसे कि देख रहे हैं आप, ग्लोबल मार्केट से काफी नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव होता है निफ्टी इंडेक्स, तो यहाँ पर 20 EMA है और ये सपोर्ट 1, ये पिवट पॉइंट का S1 का जो लेवल है, ये कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए टूवर्ड साउथ की तरफ, तो ये इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा प्रीवियस डे का लो, यानी 10,880, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा 10,857 हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव होता है तो कंफर्टेबली प्रीवियस डे यानी 19 दिसंबर का ये जो हाई बनाया है 10,985, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए बाय करें, ठीक है, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,013, ठीक है। तो ये थी इंट्राडे स्ट्रैटेजी निफ्टी के लिए। अगर आपको ये बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।